ये मेरा बैग आ गया है, बाकी का बैग आएगा, आने वाला है। और अभी निकले हैं सफर पे। वेलकम बैक टू योर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया रहेंगे। ये सब भसड़ में आपको बताना ही भूल गया मैं जा कर रहा हूँ। हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं शहादा यार है, मेरे कज़िन के घर पे। कज़िन के यार थोड़ा काम भी है और एक काम फंस गया था, वो काम भी पेंडिंग है, वो भी निकालने आ रहे हैं। अभी पेट्रोल पम्प पर रुका हूँ, हवा बहुत चल रही, समोसा वगैरह सब खा रहे। ये देखो ये पीछे पेट्रोल पम्प है। ए पप्पा समोसा खमन। ये मम्मी मम्मी अभी तक ढुलकी मार रहे थे, अभी कैमरा देख के एकदम फुर्ती में आ गए। ये तो बड़ी बदनामी कर रहा है। खाओ खाओ खमन खाओ। उम्मो और इब्राहिम का है, इब्राहिम अंदर डबक के बैठा है। लेके चलते हैं, जलेबी भी है, समोसा भी, और क्या है मम्मी? समोसे है, भजिए है, अच्छा अंगूर भी है। कुछ ऐसा दिख रहा है, ये क्या पानी की बोतल, ये सब बैग, इब्राहिम के बैठने की जगह, और ये मेरे भाई का बाइक का सामान है। बोलेगा पापा चाय क्या ही है? थोड़ा आधी थोड़ो, इतनी नहीं खाऊंगा, पकड़ो। चाय भी हमको खुद ही लेके जानी पड़ रही भैया। हेलो अम्मू को सरकाओ ना, अबे तू भी डर रही है। गरम चाय गरम गरम चाय है भैया जी, पीना है उसको। मुंबई नासिक धुलिए के रास्ते में सबसे बेस्ट मिलती है चाय, और ये तो अभी हम लोग मुमरा से, मतलब भिवंडी, मुमरा भिवंडी के बीच में पंडरपुरी है। कोई अगर ये रास्ते से जाएगा तो एक बार इसकी चाय ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त चाय देता है ये। हम लोग जब भी आते इधर, अभी दूसरी कप चल रही है सबकी हम लोग की। ये पेट्रोल पम्प है यहाँ पे, HP का, HP के पंप पे है इसका।
ऑलमोस्ट हम लोग कसारा घाट पहुँच गए। तो अभी कसारा घाट समझो 10 किलोमीटर है, और अपडेट ये है कि अपनी गाड़ी एक नंबर परफॉर्मेंस दे रही है, तो अभी तक कोई टेंशन नहीं है। एसी भी, मेरा एसी का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, मैंने उसका जुगाड़ बिठाया तो उसका भी काम हो गया। तो अभी देखते हैं, अभी तो ये लोग तो झूला वूला झूल रहे, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि भाई धुलिया तक जाना है। धुलिया यहाँ से है अभी भी 200 किलोमीटर है, तो भाई बैठे झूलते हुए खुशी देखो बहुत खुश मिजाज लोग नानी नवाज है ना। हाँ पप्पी को तूने बिस्किट खिलाए पता है मुझे। अभी बस अभी 5 मिनट में निकल का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, यहाँ पे ना झूले लगाए उन्होंने, मतलब गाड़ी पार्क करो या अपने उधर है आओ, खाना है खाओ, नहीं खाना है नहीं खाओ, जो भी है किसी को रोक टोक नहीं है। झूला मस्त झूलों पर गार्डन टाइप बना है, तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है हाईवे का। ये भी तो बाय फ्लूक रुक गए सभी गाइस, कसारा घाट आने वाले। कसारा घाट पे मतलब पहले एकदम डेंजर था, सब एक्सीडेंट वगैरह तो बहुत होते थे, एकदम छोटा था, अभी तो बहुत ब्रॉड बना दिए कसारा को। तो अभी बस 10 किलोमीटर है, अभी 10 किलोमीटर चढ़ेंगे, दिखाता हूँ आपको कसारा घाट वगैरह। और मतलब अभी इतना कुछ खास मज़ा रहा नहीं, थ्रिल ही चलेगा अभी, देखते ये पीछे से लोग आ रहे। गाइस अपना इंडिया इतना खूबसूरत है, ये कसारा घाट अभी स्टार्ट हो चुका है, इतने पहाड़ मतलब जो कैमरा तो जस्टिस कर ही नहीं पा रहा है, जो मैं अपनी दो दीदों से देख पा रहा हूँ। और ये राइट में ये उतरने वाला सेक्शन है कसारा का, और मैं जो हम लोग चढ़ने वाले सेक्शन पे, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसके लिए मैंने इसको शूट किया। मतलब ये बताओ यार, क्योंकि बहुत खुशी होती है क्या इंडिया इतना खूबसूरत है, दूसरे देशों में भी है लेकिन इतना नहीं है जितना अपना इंडिया है। नासिक पहुंच गए और अंधेरा हो गया नासिक पहुंच के। ये पूरा ब्रिज है, पूरा नासिक के बाहर निकल जाता है इंसान, नासिक में घुसता ही नहीं है। नासिक पहुंच गए, चाय पीने के लिए भी रुके, पंचवटी करके कुछ है, लेकिन इसकी चाय इतनी अच्छी नहीं है, चाय में इतना अच्छा टेस्ट है ही नहीं इसमें, पंचवटी वाली में। और अभी सीन ऐसा है, बताता पता नहीं अपन निकलो कुछ ना कुछ होता ही है। अब ये हेडलाइट टीम हो गई है, अब इसका अर्थिंग का मसला है क्या क्या मसला है पता नहीं, चेक करके पता करना पड़ेगा भाई। गाइस रात के 9 बज गए, अभी मालेगांव में पहुंचा हूँ, अब सिटी में मालेगांव में सिटी में आ गए। टेस्टी पॉइंट शॉप है ये, मुमरा में भी टेस्टी पॉइंट शॉप है, इनके रिलेटिव है, इनके शायद मामू है, उनकी शॉप है जो मुमरा में। तो यहाँ पे सीख खीरी खाने के लिए हमने रुके हैं भाई, इसका बहुत टेस्टी है। और ये सीटिंग है, यहाँ पे छोटी छोटी कुर्सी रहती है और छोटे छोटे टेबल रहते हैं, तो ये हम लोग बैठे अभी खाने के लिए। लाओ भाई लाओ लाओ लाओ, बैठ गए अपन भी खाने के लिए। इसके लिए अपन मुमरा से भुक्का रहे थे, मुमरा से रास्ता करके हम लोग आते। जो नॉनवेज खाने के आशिक है उनके लिए मालेगांव जन्नत है, इतना टेस्टी टेस्टी यहाँ पे मिलता है ना, खीरी सीख पाओ। हम लोग बैठते तो उठते नहीं है, पिछली बार तो 1 घंटा का है। तो मेरा शेयर कर दूँ आप लोग से, हल्का फुल्का खा के हम लोग अभी जा रहे होटल की तरफ खाने। गाड़ी में भी लोग चेपा चापी चालू है, क्या ये मिठाई एकदम दूध जैसी लग रही है, दूध जैसी लग रही है यार, बहुत मस्त लग रही है। वो गाड़ी लगी 35 रुपया पाव है, लेकिन इसका टेस्ट 1 नंबर है। मालेगांव में होटल में हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, पप्पा मम्मी आ गया है। ये पहली बार हम लोग चिकन का नहीं मटन का स्टार्टर मंगाए, मटन अरबी मटन अरबी है, ये मटन का है भैया, खाएंगे देखते हैं। और ये पप्पा का मटन का सालन,
चलो भाई निकलते अभी खाना खा के अपन। चलो टाइम पास है ना भाई। चलो भाई शुक्रिया। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आप लोग रात तक का आपने तो देखा सफर जो हमारा मालेगांव तक था। तो बाद में धुलिया में मेरे मामू के यहाँ पे रुका हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 बज गए थे हमको पहुँचते पहुँचते, तो इसके लिए हमने कुछ शूट नहीं किया। बस मतलब अभी गुड मॉर्निंग क्या ही बोलो, अभी तो 4:30 बज रहे, घड़ी तो है नहीं, 4:30 बज गए। अभी मैं 3 माला सीढ़ी चढ़ गया, इसलिए थोड़ा हाँप रहा हूँ। तो अभी बस निकल रहे, 100 किलोमीटर दूर है। इसमें एक काम है वो दिखाऊंगा, वहाँ पर एक काम पटा के निकलेंगे हम लोग सीधा शहादा। शाम हो जाएगी, 7:30-8 बज जाएंगे शहादा में पहुँचते पहुँचते। तो अपडेट यहाँ तक मामला पहुँचा हूँ, कहाँ रुका हूँ दुनिया में, मामा का घर है उधर मैं रुका हूँ मामू के घर पे। बस यही बोलना था गाइस, तो अभी आगे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ मैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, फॉलो करो भाई को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खुदा। और मेरा मुंडी आधी तो काट दिया है, ये नूब कैमरा मैन है, ये कैमरा मैन नूब है। मेरा मुंडी काट दिया और अब खुद का मुंह छुपा रही है।